हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहां पर आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, द प्लेन। तो सबसे पहले बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जिनका पता होना आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होंगे तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर्मूले। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, यानी कि चैप्टर का नेम ही क्या है बच्चों, प्लेन है। तो सारी बातें किसके बारे में होंगी, प्लेन के बारे में होंगी। तो मैम ये प्लेन क्या होता है, तो ऐसा बच्चों कोई भी एक सरफेस जिस पे अगर आप क्या करते हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, तो हर एक स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, हर एक पॉइंट पे इक्वली लाई करेगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, सरफेस आपका प्लेन कहलाएगा। तो इस चैप्टर में जितना भी आप पढ़ोगे प्लेन की इक्वेशंस वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो सबसे पहले अगर बात करें कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है बच्चों LX + MY + NZ = P, जहाँ पर L, M और N क्या है, यहाँ पे आपके डायरेक्शन कोसाइन से, इनके बारे में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, ये होगी। अगर बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन की, प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी AX + BY + CZ + D = 0। उसके बाद में एक नोट है कि द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजन, यानी कि अगर कोई प्लेन किससे पास आउट हो रहा है, ओरिजन से पास आउट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बच्चा, AX + PY + CZ = 0। यहाँ पे आपका D नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, X / A + Y / B + Z / C = 1। तो आपको सभी इक्वेशन ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे नॉर्मल फॉर्म पूछे, प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म पूछे, तो क्या होगी, ये वाली होगी। अगर जनरल इक्वेशन पूछे तो ये वाली होगी। अगर आपका प्लेन ओरिजिन से पास आउट हो रहा है तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, ये होगी। और अगर आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहा है, तो कौन सी होगी इक्वेशन, ये बनेगी, ठीक है, नोट करिए एक बार। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट्स। अगर आपको कोई भी थ्री पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए X1 Y1 Z1, सेकंड की दे दिए X2 Y2 Z2, एंड थर्ड पॉइंट की दे दिए X3 Y3 एंड Z3, तो उस कंडीशन में प्लेन की इक्वेशन आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जहाँ से जो आपका इक्वेशंस रहेंगी। भाई अगर हम बात करें कि जनरल इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, AX + PY + CZ + D = 0 होती है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, जो भी कोफिशेंट यानी कि ए बी सी और डी की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दोगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या रहेगा बच्चों, ए का कोफिशेंट एक्स, बी का वाई, सी का जेड और डी का कोफिशेंट कितना है, 1 है। सिमिलरली उसके बाद में आप क्या करोगे, ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएंगी, अलग अलग 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप पुट करोगे तो वहाँ से मिल जाएगी AX1 + BY1 + CZ1 + D = 0, इस टाइप से आपको इक्वेशंस मिल जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट रखोगे, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, थर्ड पॉइंट पुट करोगे तो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो जो चारों के चारों इक्वेशंस होंगी उनको क्या करोगे आप, इस वाले डिटरमिनेंट में वहाँ से ये वाली वैल्यूज पुट करोगे, किसकी, X Y Z X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3 की, और लास्ट में आप मैट्रिक्स लोगे 1 1 1 1, और इसका डिटरमिनेंट निकालोगे किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के। फर्स्ट बुक है आपकी मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें मैट्रिसेस में मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया हुआ है। क्या करोगे आप, कोई भी एक रो या एक कॉलम के रेस्पेक्ट में कंप्लीट का क्या निकाल दोगे बच्चों, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दोगे, उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। सो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको कहा है कि उनका कोप्लेनर प्रूफ करके दिखाओ, तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है सो देन आपके 4 पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है, एक बार इसको नोट करिए। इसके बाद में देखिए पॉइंट है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, यानी कि अगर आपसे इक्वेशन पूछे किसकी,
प्लेन की। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी प्लेन की? थ्रू अ गिवन पॉइंट, दिए हुए पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। एक कोई भी गिवन लाइन है और एक पॉइंट है, उससे प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी बच्चों? ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू जीरो। जहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है? आपका जो पॉइंट है वो है। और ए बी और सी क्या है बच्चों? यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है किस लाइन के? जो लाइन आपको गिवन है, ठीक है। एक लाइन आपको दी हुई होगी और एक पॉइंट आपको गिवन होगा, तो उससे पास आउट होने वाली प्लेन की जनरल इक्वेशन अगर आपसे पूछता है तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है? ये होती है। जहाँ पर x1, y1, z1 क्या होंगे? वो पॉइंट होगा जो आपको गिवन होगा। और a, b, c क्या होंगे? इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना इससे पहले चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन। सपोज दैट आपको दो प्लेन्स दे दिए और उनके बीच का एंगल आपसे फाइंड आउट कराने के लिए बोल रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चा? कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। यानी कि दो प्लेन्स आपको गिवन है और आपको शो करके दिखाना है कि वे परपेंडिकुलर हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या कंडीशन वेरीफाई करके दिखानी पड़ेगी कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल आना चाहिए। ए बी सी क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन रेशियोज ऑन प्लेन के, ठीक है। तो दो प्लेन्स आपको गिवन होंगे, एक बार एक से निकालोगे एक बार एक से निकालोगे और इस कंडीशन में वेरीफाई कराओगे तो ये वाली साइड आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए? जीरो के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो प्लेन्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्या है? कंडीशन ऑफ पैरेलिज्म ऑफ टू प्लेन्स। यानी कि अगर दो प्लेन्स आपको पैरेलल प्रूफ करके दिखाने हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या शो करके दिखाना पड़ेगा? ए वन अपॉन ए टू किसके इक्वल आना चाहिए? बी वन अपॉन बी टू के। और ये किसके इक्वल आना चाहिए? सी वन अपॉन सी टू के। अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है दैट मीन्स आपके जो प्लेन्स हैं वो कैसे होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो कैसे होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और एंगल निकालना है दोनों प्लेन्स के बीच का तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद में एक बच्चों बस लास्ट फॉर्मूला आपका बचा हुआ है, यहीं पे देख लेना फॉर्मूला क्या है। आपको मैंने इससे पहले भी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए हुए हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हेडिंग डाल लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट थ्रू अ या फिर फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपसे पूछता है तो पी किससे डिनोट करोगे आप डिस्टेंस को? अगर डी से कर लीजिए या फिर पी से, वो आपकी मर्जी है। तो पी किसके इक्वल आएगी बच्चों? यहाँ से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका लोगे आप मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। इसी के साथ में जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं बच्चे, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन के टू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो to the normal form and hence find the length of the perpendicular drawn from the origin to the given plane. सबसे पहले आपको इसी एक क्वेश्चन में क्या दे दिए? दो क्वेश्चन दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिए कि रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस। जो आपको गिवन है इक्वेशन क्या दे रखी है? गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या दी हुई है बच्चों? x प्लस टू वाई माइनस टू जेड माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। जनरल इक्वेशन आपको पता है प्लेन की क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। तो उसी फॉर्म में है ये माइनस नाइन है, तो दूसरी साइड लेके जाओ आप, प्लस नाइन में चेंज हो जाएगा। कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप लोग स्टेप समझिए कि स्टेप क्या है। आपको कोई भी एक जनरल इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, और आपसे कह रहा है कि इसको किस में कन्वर्ट कीजिए? नॉर्मल
नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। जो इसकी वैल्यू आएगी उससे क्या कर दोगे आप, इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। तो जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी बच्चे, आपको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी इस फॉर्म में मिलेगी। और ये क्या है बच्चों, नॉर्मल फॉर्म है किसकी, इक्वेशन की, प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है। इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे एंड देन आपकी क्या मिल जाएगी, आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। सो हियर अगर आप देखो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, ax यानी कि x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, c की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे -2 है। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, अंडर रूट नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐड कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। इसकी वैल्यू निकालिए अंडर रूट 1, a a की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस c की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, अंडर रूट 9, तो 9 को रूट से बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 3, यानी किसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो 3 से क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दोगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, 3 से डिवाइड करना तो देखना इक्वेशन क्या बन जाएगी, x को डिवाइड करोगे x अपॉन 3 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2y अपॉन 3 माइनस 2z अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली के जो इक्वेशन आई किस फॉर्म में आ गई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी की फॉर्म में आ गई। तो एक आंसर तो ये आ गया क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। चाहे तो आप लास्ट में लिख सकते हो विच इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, विच इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। एक बार पहले इतना नोट करिए। अब इससे आगे देखिए बच्चों, ए बी सी की वैल्यूज तो हमने निकाली हुई थी, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन, यानी कि जो प्लेन गिवन है इससे ओरिजिन पे, ओरिजिन से लेके इस प्लेन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करनी है। तो पी किसके इक्वल होता है, अभी फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए एक्स, ए एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे देखना बच्चों जो पॉइंट है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, 0, तो यहाँ से एक्स वन, ये वाई वन और ये क्या होगा जेड वन होगा। तो अगर प्लेन हमारा क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास आउट कर रहा है, यानी कि अगर ओरिजिन से लेके प्लेन तक की डिस्टेंस बतानी है तो प्लेन की तो डायरेक्शन रेशियो हमें ए बी सी मिल गए, ओरिजिन के पॉइंट क्या मिल गए 0, 0, 0, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होंगी ये हो जाएंगी। तो a इंटू कितना होता है x1, तो a कितना है 1 और x1 कितना है 0, तो ये टर्म कितनी आ जाएगी बच्चा 0 प्लस b y1 इसकी मल्टीप्लाई 0 में करोगे ये भी 0 प्लस c z1 इसकी मल्टीप्लाई में करोगे ये भी 0 प्लस d, d की वैल्यू कितनी है बच्चा यहाँ पे -9, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी -9 और अपॉन में क्या आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई थी √9, रूट नाइन को रूट से बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 3, तो p इज इक्वल्स टू इन सभी को ऐड करोगे -9 और -9 को मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो +9 आएगा और अपॉन में 3, 3, 3, 9, तो p की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास में 3 हो जाएगी और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस एंड फाइंड ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए प्लेन की इक्वेशन आपको क्या की मैंने बच्चों, 2x plus y plus 2z is equals to 3, तो यहाँ से आप a b c की वैल्यूज नहीं निकाल सकते, a की वैल्यू 2, y की सॉरी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी और ओरिजिन दे रखा है यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, 0, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दोगे कितनी ax1 by1 cz1 ये तो 0 हो जाएंगी प्लस d, d की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में कितना आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सभी को ऐड करोगे कितना आएगा 9, रूट से बाहर निकालोगे 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट यानी कि 1,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी बच्चे इसकी, 1 आ जाएगी। उसके बाद में बात करें इसमें आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। यानी कि ये जो प्लेन आपको गिवन है इसका क्या कहा है इसमें आपसे कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं आपका नॉर्मल टू द प्लेन। तो सबसे पहले तो इसकी क्या निकालोगे आप, नॉर्मल की इक्वेशन। अभी इससे पहला क्वेश्चन किया है भाई, उसमें ये चीज़ पहले पूछ ली, इसमें बाद में पूछ ली, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, और जो वैल्यू आएगी उसको कंप्लीट से क्या कर दोगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दोगे। तो अभी हमने वैल्यू निकाली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, कितनी आई 3 आई। तो 3 से डिवाइड करोगे कंप्लीट इक्वेशन को तो कितना आएगा, 2/3x प्लस 1/3y प्लस यहाँ पे टर्म आ जाएगी 2/3z और इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस वाले ये जो इक्वेशन आई है नॉर्मल की, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताने हैं। तो नॉर्मल जो इक्वेशन होती है, नॉर्मल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, वो क्या होती है बच्चा, Lx plus My plus Nz is equals to P। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, L, M और Ne तो होते हैं। तो कंपैरिजन कर दो यहाँ से इजीली, निकल के आ जाएगी L की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 और यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा आपकी 2/3 आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देना था, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे ऑर्डरली एक बार बता दिया है, इसी तरीके से आप कर लेना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा ये, तो इसको नोट करिए। देखिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको देखने को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थो पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं 2, 3, -1 एंड एट राइट एंगल टू ओपी। यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको ये दे दिए और जो प्लेन है वो कैसा है, राइट एंगल पर है किससे, ओपी से। यानी कि सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका पी है और यहाँ पे हम क्या करते हैं कोई भी पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे आपका प्लेन है तो ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि ओपी क्या है परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे। ठीक है, प्लेन का नाम आप ए भी कुछ भी दे सकते हो। तो ये आपको क्या करना है कि आपको इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सो गिवन दैट दिया हुआ क्या है आपको, p इज इक्वल्स टू 2, 3, -1। सो ये किसकी वैल्यूज है बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज है किसके, प्लेन के। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 2 है, जहाँ पे आप लिख देना कि 2, 3, -1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है किसके, ऑफ प्लेन के। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 2, तो टर्म कितनी आ जाएगी 2x प्लस बी वाई यानी कि 3y सी जेड यानी कि माइनस जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लेना आप इक्वेशन नंबर 1। और ये जो प्लेन है ये क्या है, राइट एंगल पर है किससे, ओपी से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है 2, 3, -1 ये इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो लिख देंगे द इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, पासिस थ्रू द पॉइंट्स कौन से 2, 3, -1 इससे पास आउट होगी। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यूज होंगी बच्चों, ये x की, ये y की, ये z की। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना, 2, 2 = 4 प्लस 3, 3 = 9 माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू में, सॉरी यहाँ पे और भी तो कुछ टर्म है आपकी, d भी तो है, तो प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, 10 और 4, 14 वो भी कैसा आएगा, माइनस का। सो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -14। सो अब इस d की वैल्यू को आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे। तो लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी बच्चा, 2x प्लस 3y माइनस जेड, डी के प्लेस पे डी की वैल्यू पुट करना, -14 इज इक्वल्स टू 0, ये 2 से जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 14।
ये क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की, जो कि आपको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों स्क्रीन पे क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2, -1, 3, 4, 2 एंड 7, 0, 6। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन पॉइंट से पास आउट होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, जो कि किसी पॉइंट से पास आउट होती है। तो लिखोगे द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू अ पॉइंट क्या पॉइंट किया गिवन है बच्चों 2, 2, -1। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2, 2, -1 क्या होती है बच्चों, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 2, प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन की वैल्यू -1 है, तो -1 + 1 = 0 आ जाएगी। इसको लेट करोगे कि आप इक्वेशन नंबर 1। और क्या कहा है, और किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, 3, 4, 2 और 7, 0, 6। तो लिखोगे द इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 2 एंड 7, 0, 6। तो अगर ये इन पॉइंट से पास आउट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो तो अगर 3, 4, 2 ये पॉइंट रखो तो ये किसकी वैल्यू है, जो x की है, y की है, z की। तो a x के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा बच्चा 1, प्लस b इंटू y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस c इंटू z, z की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 2b प्लस 3c = 0। इसको लैड कर लोगे कि आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चा, यहाँ से देखिए इस बार पॉइंट क्या लोगे आप, ये वाले पॉइंट लोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज ये होंगी। सो a इंटू x के प्लेस पे 7, 7 - 2 कितना आएगा 5, प्लस b इंटू y, y के प्लेस पे 0 रखोगे 0 - 2 - 2, प्लस c इंटू z के प्लेस पे 6 पुट करोगे तो 6 एंड 1 = 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 5a - 2b + 7c = 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था जहाँ पे आप क्या करोगे, ए बी सी के जो भी कॉफिशियंट्स होंगे उनको डिटरमिनेंट के अंदर पुट करोगे और = 0 के रखोगे और देन आपकी क्या जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो इससे आगे देखना एक बार, नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आती है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड 1, एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए का कोफिशिएंट कितना था बच्चा x - 2, बी का कोफिशिएंट कितना था बच्चों y - 2, और सी का कोफिशिएंट कितना था z + 1। और सेकंड जो आपकी इक्वेशन अभी नीचे लिखी हुई थी मैंने गलती से रफ कर दी, उसमें देख लेना ए का कोफिशिएंट कितना था 1, बी का कोफिशिएंट 2, सी का कोफिशिएंट 3, और से जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें ए का कोफिशिएंट 5, बी का -2 और सी का कोफिशिएंट कितना था 7, और इसको किसके इक्वल पुट करोगे 0 के। तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, या तो आप रो के रेस्पेक्ट में कर दीजिए या फिर आप कॉलम के रेस्पेक्ट में, किसी भी तरीके से आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि इसमें हमें ईजी वैल्यूज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट लोगे आप x - 2। अब ये जिस कॉलम में और जिस रो में उनको आप छोड़ दोगे, उसके बाद देखोगे 2, 7 से कितने हो जाएंगे बच्चा 14। तो इसमें क्या करोगे आप, 14 माइनस साइन आएगा, 3 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे कितना आ जाएगा 6, वो भी माइनस के, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। उसके बाद में -1 आएगा, ये जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उनको नेगलेक्ट कर दोगे, तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी भाई 7 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, y - 2 में, फिर माइनस साइन 2 की मल्टीप्लाई करोगे z + 1 में, तो ये -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 × z + 1। उसके बाद भी नेक्स्ट एलिमेंट कितना है यहाँ पे +k 5, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये जिस कॉलम में जिस रो में उसको नेगलेक्ट कर दोगे, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 3y माइनस 2 माइनस 2 इंटू जेड प्लस 1, और किसके इक्वल चल रही इक्वेशन 0 के। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 14 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 20, 20 की मल्टीप्लाई करना 20x माइनस 22 का कितने हो जाएंगे 40। यहाँ से देखिए माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो इन टर्म्स की मल्टीप्लाई आपस में, तो कितना आ जाएगा माइनस के 7y माइनस के 72 का 14, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 14, फिर 2z माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2z और माइनस 2। यहाँ से इनके अंदर मल्टीप्लाई करते चलिए और इसमें क्या कर दोगे आप 5 की भी मल्टीप्लाई, तो 3y और 3 5 से कितने हो जाएंगे बच्चा 15y, फिर माइनस के 3 2 का 6 और 6 5 से कितने आ जाएंगे 30। यहाँ पे माइनस 2z तो 2 5 से 10 यानी कि माइनस के 10z और माइनस 2 तो यानी कि 2 5 से 10 तो माइनस के 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई क्या करोगे इसको यहाँ से आप बच्चों सिंप्लीफाई कर दोगे। तो यहाँ से देखना है ये 20x है और कहीं पे x है नहीं जी, तो ये आपकी टर्म आ गई 20x। अब y वाली देखना यहाँ पे कितना है 7y है, यहाँ पे कितना है बच्चा 15y है, तो 15y और माइनस कर दोगे इसमें से आप 7y तो कितना बचेगा 8y, वो भी कैसा प्लस का। उसके बाद में माइनस 2z है और यहाँ पे कितना है माइनस के 10 है, तो माइनस 2z और माइनस के कितना 10z ऐड करोगे कितना आएगा माइनस के 12z आ जाएगा। यहाँ पे कितना है माइनस 40 है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई बच्चा, और लास्ट वाली हमारी थी चलिए ठीक है बिल्कुल। उसके बाद में माइनस 10z और माइनस 2z कितना आ गया माइनस 12z, फिर यहाँ पे कितना है माइनस के 40 प्लस के 14, अंदर टर्म है माइनस 30 और यहाँ पे कितना है माइनस 10, तो 40 10 50 53 कितने हो गए 80, माइनस 80 और प्लस 14 सॉल्व करोगे तो इसमें आपका कितना आ जाएगा ये वाली टर्म 66 आ जाएगी, 66 में 14 ऐड करोगे 80 आ जाएगा, वो भी कैसा माइनस का, तो टर्म कितनी आ गई माइनस के 66 इज इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीट इक्वेशन में देखना बच्चों ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ले लीजिए। सही बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस 2 भी तो ऐड करोगे तो माइनस 2 ऐड करोगे कितना आएगा माइनस के 68। अब यहाँ से देखिए कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ले लीजिए जिससे इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर सको आप डिवाइड, तो भाई ये भी किसका 4 का मल्टीपल है, ये भी और ये भी, उससे बड़े डिजिट तो आप कोई नहीं ले सकते जो इन सभी को काट रही है, तो क्या करोगे 4 को कॉमन लेके उधर 0 में पहुंचा दो। यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी 4 5 20, 4 2 8, 4 3 12 और ये हो जाएगा आपका 4 1 4, तो इधर गए 4 7 28 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की जो कि आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।